प्याज के खेत में आज पानी सुबह में चालू कर दिया था और अभी पानी चालू करके एक घंटा होने में है। और हमने जो कल पाइप बिछाई थी ये सब लाइन इसके नीचे की साइड छेद है, देखो यहाँ से नीचे से पानी दिख रहा है, निकल रहा है, यहाँ पे भी निकल रहा है और यहाँ पे भी निकल रहा है, ऐसे ही पूरे पाइप में पानी निकल रहा है और वो जा रहा है प्याज के खेत में। तो यहाँ पे हमें खड़े रख के पानी देने की आवश्यकता होती नहीं है, अपने आप ही खेत बहता जाता है। तो आधे एकड़ से थोड़ा कम खेत है, तो आधे एकड़ से कम खेत को एक घंटा लग गया हमें पानी देने में, तो अभी आखिरी में तो अभी जो रह गया उसमें पानी चालू किया है। जो अभी देखो ये बीच में यहाँ पे बंद कर दिया क्योंकि ये लाइन पहले सबसे पहले भर गई, तो इसको बंद कर दिया। तो ये तीन खेतों का पानी एक लाइन में जा रहा है और पीछे जहाँ पे रह गया उस जगह पे पानी जा रहा है। तो वहाँ पे इस जगह पे एक लाइन मतलब एक इसका यहाँ से जा रहा है, एक का इसमें जा रहा है, तो दो का एक एक में एक एक का जा रहा है, सब में एक एक में जा रहा था, लेकिन जो भर गया उसका पानी बंद करके दूसरी में भेजा जा रहा है। तो इस तरह खेत में पानी देने का काम हो रहा है बढ़िया से और ज़्यादा खेत में घूमने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस जगह पे पानी जाता नहीं उस जगह पे आखिरी में देखना पड़ता है, बाकी फिर बीच में कोई देखने की जरूरत नहीं, बीच में अपने आप ही बढ़िया से खेत भर जाता है, एक मोटर का पानी चल रहा है। और अगर इसमें ऐसे खुले में पानी भरना हो तो 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं एक मोटर से, लेकिन इसमें आसानी से होता है। अभी देखो बीच वाली लाइन भर गई तो यहाँ पे पानी बंद कर दिया है और ये पानी घुमा के जिसमें पानी नहीं गया उसमें भेजा जा रहा है। कभी कभार एक दो लाइन में पानी नहीं जाता और फिर उसमें भी ऐसे जिसमें भर गया उसका बंद करके उसमें भेजा जा रहा है। बढ़िया से खेत में पानी भरने का काम हो चुका है, आखिरी का रह गया 5-10 मिनट में वो भी पूरा भर जाएगा। अभी लाइन में पानी जा रहा है तो बीच में तो प्याज, इसमें पानी कहाँ से गया, तो यहाँ से गीलापन यहाँ तक आ जाता है, इसका गीलापन यहाँ तक, तो ये बीच में जो दिख रहा है यहाँ पे पानी नहीं है लेकिन ये गीला हो चुका, तो ज़्यादा पानी प्याज में चाहिए नहीं इसलिए हमने इस तरह सिस्टम बनाया है। तो लग तो रहा है कि यहाँ पे पानी गया ही नहीं लेकिन ये गीला हो चुका है, प्याज को जितना पानी चाहिए उतना मिल गया है। तुलसी और मंगल दोनों साथ में है खुले, राम जी और गौरी दोनों बंधे हुए हैं और महाराज खो गया है, तो अभी छोटा भाई उसको खोज रहा है, काफ़ी उसको 5-6 मिनट हो गए तब से उसको खोज रहा है, चाचा जी भी आ गए उसको खोजने और मैं भी, तो अभी देखते ज़्यादा दूरी पे नहीं होगा, मुझे लगता है इन्हीं के बीच यही घास में, तो यहाँ पे छोटे भाई देख लिया छोटी घास में तो मकई में होगा या फिर इस साइड चारे के अंदर होगा, तो थोड़ा देखते मिल तो जाएगा, एकदम से तो कोई आसमान तो उसको निकल नहीं सकता, यही कहीं कचरे में ही बैठा होगा, तो थोड़ा खोजते मिल जाएगा। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा और ज़्यादा दूरी पे तो नहीं जाना चाहिए, होगा तो आसपास ही कहीं लेकिन जल्दी दिखता नहीं, हम यहाँ खोजेंगे और यहाँ पे होगा ही नहीं, ऐसी जगह गया होगा जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते। तो अभी तो छोटे भाई ने देख लिया है पास पास की जगह, मकई के अंदर हो सकता है, उधर भी एक राउंड लगा के आना पड़ेगा, लेकिन जो जगह देखने लायक है बाहर है जहाँ पे हमें लगता था कि यहाँ पे होना चाहिए उस जगह पे तो है नहीं, लग रहा है एक कि मकई में एक राउंड देख लेते हैं। चाचा जी गए थे महाराज को ढूंढने के लिए और चाचा जी सीधा मकई में होके सीधा चले गए और महाराज मैं यही से देख पा रहा हूँ चाचा जी की नज़र नहीं है, अभी गई ध्यान, देखो अभी महाराज को निकालना पड़ेगा खेत से मतलब मकई से, तो मैंने एक राउंड ये इस घास में पूरा लगा लिया, चाचा जी मकई का राउंड लगा के सीधा सामने जा रहे थे और पूरा राउंड वो लगा लेते और वो कहते कि महाराज है ही नहीं, लेकिन महाराज यही पे बैठा था मिल गया, चाचा जी सामने सीधा चले गए थे, तो महाराज को बाहर निकालते और उनके पास छोड़ते। छोटे बच्चों का यही एक दिक्कत होती है कि ये कहीं पे भी ऐसी जगह जाके बैठते हैं कि किसी की नज़र ना आए, जैसे जंगलों में जो हिरण के बच्चे बैठे रहते हैं शेर की नज़र में आते नहीं, वैसे ही ये इंसान की या फिर डॉग की किसके डरते पता नहीं लेकिन ये छुप जाते हैं। तो अभी देखो इनके साथ भेज देते, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे जो कि छुप जाते, जैसे कपिला एक बार गई थी, सुमन भी एक बार गई थी, चुटकू भी एक बार खो गया था, सुमन के लिए हमने पूरा दिन लगा दिया था, सुमन नहीं मिली थी, लेकिन कपिला मैं ढूंढने नहीं गया, कपिला दोपहर के बाद मिल गई थी, चुटकू भी बार बार चला जाता था, चुटकू भी 3-4 बार चला गया था, महाराज आज एक बार ऐसा मतलब आज इसका पहली बार है कि ये मिला नहीं, या तो फिर ये इनके आसपास ही बैठ रहा था। भाई सबको लेके आए अभी खुले में, उसकी माँ भी काफ़ी देर से आवाज़ लग रही थी क्योंकि उसको भी नहीं दिख रहा था, और अभी इसको छोड़ दिया ना तो अभी ये इनके साथ भी रहेगा और यही पे आसपास ही रहेगा, अभी दूसरी बार जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि आसपास ही बैठा है।
देखो अभी तो चार्ज जी के पीछे पीछे हो रहा है और वहाँ से मिलेगा। अभी तक अपने को तुलसी ने इतना सा भी परेशान नहीं किया क्योंकि तुलसी ज़्यादातर खुली जगह में बैठती है और छुपती नहीं, लेकिन महाराज छुप जा रहा है। देखो अभी आ गया माँ के पास, तो ये आसपास अभी रहेगा। अभी डॉक्टर जी आ चुके हैं और अपने वर्षा को यहाँ पर बांध दिया है, तो डॉक्टर जी कह रहे हैं कि नस में इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए पीछे भी अच्छी तरीके से बांध दिया है जिससे इंजेक्शन देते समय तकलीफ ना हो। वैसे तो अपनी वर्षा शांत ही है, लेकिन अगर दिक्कत हुई तो उसी को दिक्कत होगी, इसलिए हमने भी पहले ही तैयारी कर ली थी। पहला इंजेक्शन चला गया, दूसरा जा रहा है नस में, जा रहा है सीधा। अच्छी तरीके से मिला देंगे जिससे घाट ना हो। दो तीन इंजेक्शन है उधर से भी। खूप लुज आहे नाही वाटेल तुम्ही तिथलं पण तिथलं बोतल में एक गोली को पीस के दवा बना ली है और अभी हम पिलाने वाली है दवा तुलसी को। तो कल हमने दो बार आधी आधी गोली पिलाई, ज़्यादा उसका कुछ असर हुआ नहीं। तो डॉक्टर साहब आए थे तो तुलसी को मैंने कहा कि चेक कर लेते हैं कि अगर कुछ होगा तो इंजेक्शन गोली कुछ दे देंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि सब ठीक है, गोली जो आधी दे रहे हो उसको एक दे दो तो जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो हमने तो दवा बना ली है जो कि अभी हम तुलसी को पिलाने वाले हैं एक गोली। और अभी तो फिलहाल महाराज यहीं पे बैठा है, देखो बाहर सुबह में चला गया था, हम तीनों लोग सोच में पड़ गए थे कि गया का, फिर खेत में मिल गया भाई साहब जल्दी 15-20 मिनट में मिल गया, तो अच्छी बात है। अगर ज़्यादा टाइम लगता या फिर ज़्यादा दूरी पर जाता तो समस्या आने वाली थी, लेकिन भारी थे तो जल्दी मिल गए। तो तुलसी को दवा पिलाते हैं जल्दी। अभी मैं आया हूँ गाय चराने के लिए और पिताजी इन सबको पहले लेके आ चुके थे, तो अभी पिताजी जा रहे वापस फार्म पे, वहाँ आज इन सबको चराना है। अभी मैं खाना खा के आया हूँ, दोपहर को देखते हैं खाना आएगा या फिर नहीं। भी मैं अभी बढ़िया से खाना खा के आ चुका हूँ, तो इन सबको चराना है बढ़िया से। तो अभी देखते हैं हम कहाँ कहाँ आ जाके आना है इनको लेके, तो अभी देखते हैं। टाइम तो काफी हो चुका है, पहाड़ की तरफ अगर जाना हुआ तो टाइम काफी लगेगा, तो देखते ये आसपास में या फिर लगा तो जाके आएगी। अभी अपनी सारी सेना और दूसरा और एक झुंड, तो दो झुंड यहाँ पे अभी आ चुके हैं चारा खाने, और इनकी जगह आज हो गई चेंज। तो 2 तारीख को हम जिस दिन बैल पोड़ा था उस दिन इस जगह पे आए थे गाय चराने, उस दिन के बाद सीधा आ जा रहे। तो आज 20 तारीख मतलब करीब 18 दिन बाद यहाँ पे गाय आ रही, तो आज हम चरा रहे। उस दिन भी 2 झुंड थे, आज भी 2 झुंड, और बारिश खुल के अभी 15-20 दिन हो गए, और 15-20 दिन में भी ये जगह अभी तक सूखी नहीं, यहाँ पे अभी भी नीचे गीला है, और चारा काफी बढ़िया है इस जगह पे। बाहर सारी जगह का चारा है जो कि हो गया है ज्यादातर खत्म, और बारिश नहीं है तो चारा सूख रहा है, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं है फिर भी यह चारा बहुत हरा है और बहुत बढ़िया से खाएंगे, जल्दी इन सबका पेट फुल हो जाएगा। देखना आज टाइम से पहले ही इन सबका पेट जो है हम ढोल बना देंगे, क्योंकि आज हम आए चराने, तो बड़ी बड़ी जगह में इनको ले जाएंगे, बढ़िया चारे में इनको चराएंगे और इन सबको ढोल करके वापस फार्म पे ले जाएंगे। 2 बुल की जबरदस्त फाइट चालू हो चुकी है, और इनका हर दिन का है जब ये दोनों झुंड साथ में आते तो इनका झगड़ा होता ही रहता है। अभी देखना ऐसे झगड़ा करेंगे कि क्या ही बताऊं।
अपने सभी शैतान बढ़िया से अभी चारा खा रहे, और अभी सिर्फ अपना एक ही झुंड रह गया है। एक झुंड जो यहाँ पे हमारे साथ था वो वापिस ले गया, क्योंकि उसकी गाय से इसे यहाँ पे चारा नहीं खा रही थी। तो कह रहा था कि मैं पानी पिला के इनको लेके आता हूँ वापिस, तब तक रुकना। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, मेरे तो बढ़िया से चारा खा रही, तो मुझे अभी पानी की आवश्यकता नहीं, हम बाद में पिलाएंगे, तुम पिला के लेके आओ। तो अभी लेके गया वो, और अपना जो बुल है एक वो उन गायों के साथ भाग गया। तो मैंने से कहा कि ले जाओ, अभी यहाँ पे रुकेगा नहीं सही से, तो पानी पिलाने के लिए जा रहे तो उसको भी पिला के लेके आना, बाद में हम इन सबको ले जाएंगे। तो अभी तो हम अकेले हैं और यहाँ पे शांति हो गई, तो अभी जितने अकेले रहते उतने बढ़िया से चारा खाते, ज्यादा भीड़ हो जाती है फिर ये चलते हैं। तो अभी देखना, अभी ये झुंड नहीं है कितने बढ़िया से खा रहे, और सबके सब चारे पे लगे टूट पड़े। अपना पूरा झुंड चारा खाने के लिए निकल नहीं रहा, सभी देखो ये तो गुड़िया बैठ गई, बाकी सब खड़े। अभी मैं सोच रहा था कि इनको लेके बाहर निकलेंगे, और देखो उधर से वो झुंड अभी 1 घंटे बाद पानी पिला के आ रहा है। इतना टाइम क्या कर रहा था पता नहीं, 1-1 घंटे तक अगर लोग पानी पिलाएंगे तो चारा कब खिलाएंगे, देखना भी आ रहा है। अपना बुली सबसे आगे है और वो आ रहे उधर से, बाकी अपने सब यहाँ पे खड़े हैं। तो भी लग रहा है कि इनको पानी पिला के ले आएंगे, वो झुंड को यहाँ पे रुकने देंगे। देखो बुल आ गया और बाकी कुछ गाय होंगी। अपने सभी शैतान अभी सीधा जा रहे पानी पे, और हम उस वाली जगह से निकल के आ गए, वहां पे वो झुंड आ गया था तो हम उसको उधर ही छोड़ाए, अपने बुल को उस झुंड से निकाल के अपने झुंड में कर लिया। और मैं पानी पिलाने इनको लेके जा रहा हूँ, पानी पिलाएंगे और यही आसपास चराएंगे, वहां पे भी वापस नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे सही से चारा नहीं खा रहे थे, खड़े हो गए थे। अभी पानी पिला के यही पे रुकेंगे, अभी वहां पे नहीं जाना क्योंकि वहां पे अभी 2 झुंड हो गए और 1 झुंड वहां पे आ गया तो भीड़ ज्यादा हो जाएगी और परेशान होंगे, इसलिए मैं अभी बाहर ही रहूंगा, इनको बाहर ही चराऊंगा। देखते शाम तक कोई ना कोई और एक जगह जहाँ पे हम इन सबको ले जा सके। अभी यहाँ पे हम अकेले हैं और दोनों झुंड अलग अलग चले गए, हर एक झुंड अपने अपनी जगह चला गया। हम भी अभी 1 घंटे बाद जाएंगे, हमें 1 घंटा और टाइम है, हम चरा रहे 1 घंटे और, तो लगभग ये ढोल हो चुके हैं, थोड़ा बहुत रह गया जो कि 1 घंटे में हम इनको ढोल पूरा करके ही फार्म पे वापस जाएंगे। सभी शैतान लेके हम फार्म पे वापस आ चुके हैं, ढोल तो आज भी हो गए लेकिन जितने पहले होते थे उतने नहीं हुए, थोड़े कम है लेकिन ढोल फिर भी हो चुके हैं। ये देखो ये गाय भी, ये देखो ये बुल भी हो चुका है, लेकिन जितना पहले होते थे उससे थोड़ा कम है लेकिन ठीक ठाक है, जो कि बढ़िया हो चुके हैं। और आज बढ़िया जगह मिली नहीं तो और बढ़िया हो जाते, सुबह हम गए नहीं उस साइड, थोड़ी देरी हो गई थी, लेकिन हमारी सबसे तो बढ़िया हो चुके हैं। देखो सकाराम भी ढोल है और बाकी सब अंदर भी ढोल है, सिर्फ आरती है जो कि कम है बाकी सबके मुकाबले, बाकी फिर सारे एक जैसे ढोल की तरह हो चुके हैं। सभी को कर दिया है बंद, अभी चलते हैं उस वाले फार्म। इस वाले फार्म की सभी गायों को बांध के रखा है, इन सब की खुराक खानी हो चुकी है,
छोटा भाई अभी फार्म के अंदर हरी चारी कुटी डाल रहा है जो कि हो चुकी थी सुबह में, और इतना चारा कट के आ चुका है, इसकी होगी सुबह में कुटी और कल पूरे दिन को चारा हरा बन जाएगा। अभी तो यहाँ के काम हो चुके हैं। वर्षा को लूज मोशन हो गया था सुबह काफ़ी ज़्यादा, तो उसको इंजेक्शन दिए, काफ़ी हद तक लूज मोशन कम हो चुके। जो गोली थी वो सुबह नहीं लेके आ पाए, सब लोग खेत में थे इसलिए, तो अभी गोली जो है रात को लेके आएंगे सुबह में देने के लिए। तुलसी को भी हो गए थे लूज मोशन, उसको भी सुबह हमने एक गोली पूरी दे दी थी, अभी उसके भी लूज मोशन बहुत अच्छी तरीके से रिकवर हो चुके, और गोली बची है लगा तो और दे देंगे। मंगल को कुछ हुआ नहीं, भाई साहब बढ़िया है, महाराज भी ठीक ठाक है। महाराज सुबह खो गया था और सुबह ही मिल भी गया था, तो अभी यहाँ के सभी काम हो चुके लगभग। बाहर की साइड रामजी और गोरी है जो कि खेत में बांधे हुए थे, आज पता नहीं महाराज की माँ को खेत में खुला छोड़ा या बांधा वो पता नहीं, वर्षा को तो छोड़ना ही नहीं था, डॉक्टर ही मना कर गए थे इसको मत खोलना। चाचा जी अभी कपास को लेके आ रहे, ट्रॉली के अंदर डाल रहे क्योंकि कपास ले जानी है घर पे। सामने देखो इतनी सारी हमने तिल को मतलब मेत थाया नहीं, यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, अच्छे से बांध दिया है हवा से गिरे ना। और चाचा जी अभी कपास को लेके आ रहे, करीब इसका वेट होगा 40 किलो से ऊपर, 50 के लगभग आ जाएगा, और बाकी कुछ यही पहले डाल के रखा। तुलसी अकेली रह गई है, इस अकेली का दूध पीना बाकी है और पी रही है, अभी थोड़ी देर में उसका भी हो जाएगा। महाराज का पहले पीना हो गया, तो महाराज मंगल चुटकी सॉरी चुटकी नहीं गौरी और राम जी इन चारों को बंद कर दिया है, तो अभी तुलसी भी आ जाएगी इनके साथ। गाय सारी खुल गई है, सभी गायों को हरी चारी कुट्टी मिल गई, सभी बढ़िया से खा रही, वर्षा भी खा रही है, और लूज मोशन का भी बहुत अच्छा असर हो गया, दवा का ठीक हो गई है। सुबह बहुत हालत ख़राब हो गई थी उसकी, लेकिन आज जो हालत है अभी सुबह के मुकाबले बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो चुकी है, तो बाकी सारे काम हो चुके हैं। तो ये थे हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।